प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर में अब एक प्रॉब्लम है, जो अभी हमने कैपेसिटर किया वो सेरिकल कैपेसिटर किया, और सेरिकल कैपेसिटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी बड़ी उसकी कैपेसिटी होगी, सिंपल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये सेरिकल कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। अब हमें क्या चाहिए, छोटी जगह में ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है हमने, तो स्फीयर ले लेके तो घूमेंगे नहीं। तो कैमरा लिया आपने और उसमें चाहिए बहुत बड़ा कैपेसिटर, कैमरे के अंदर स्फीयर कहाँ से फिट कर लोगे इतना बड़ा? तो क्या करोगे, पीठ पे टांगोगे एक कैपेसिटर तार लगा के और फिर फोटो खींचोगे? वैसे मतलब कैसे कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको एक बहुत छोटा कैपेसिटर चाहिए जो अंदर फिट हो जाए और काम बड़े स्फीयर का करे, तो शेप चेंज करो। तो कोई साइंटिस्ट आया, उसने कहा एक काम करते हैं, बढ़िया कैपेसिटर बनाते हैं, इससे बात नहीं बनी। तो वो कहते हैं कि आप स्फीयर का कैपेसिटर ना बनाओ, आप प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझो। इमेजिन करो, आप प्लेट का बनाओ, स्फीयर का बनाओ, जिसका मर्जी बनाओ। जैसे उसने एक प्लेट ले ली, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया और बैटरी को हटा दिया, तो इसके ऊपर लेट अस सपोज कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। ना तो ये हवा में उड़ने वाला है, ना ये कम होगा, ना अब ये ज्यादा होगा, तो क्यू तो कॉन्स्टेंट है। अब इस प्लेट के सरफेस पे क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल कुछ हुआ होगा। हमने फॉर्मूला तो पता नहीं शीट का पोटेंशियल क्या होता है, पर कुछ तो हुआ होगा। तो इस शीट की कैपेसिटी क्या हो गई, क्यू डिवाइडेड बाय वी। और मान लो इस वी की वैल्यू कितनी है अभी, 10। तो कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाय 10। क्या स्टेप क्लियर है? ये कैपेसिटेंस आ गई, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब आपने क्या किया, वो कहता है कि ठीक है आप एक शीट और लो, एग्जैक्टली इसके पैरेलल रख दो, सामने कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग शीट है, और इसमें कुछ नहीं करना, सामने रख देनी है। जब सामने रखेंगे तो इसके ऊपर इंडक्शन हो जाएगी, ये क्या हो गया नेगेटिव, पीछे वाली प्लेट क्या होगी पॉजिटिव, माइनस प्लस हो गया। तो इक्वल चार्ज ऑब्वियसली, ये क्यू तो माइनस क्यू, तो ये प्लस क्यू, ऐसे डेवलप हो गया। अब हुआ क्या इससे, इमेजिन करो यहां पर आपके पास कोई 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, माइनस 8 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, इमेजिन करो। और लेट अस सपोज 1 मीटर दूर आप यहां पर वी निकालना चाहते हैं, तो पॉजिटिव 10 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा और नेगेटिव 10 वोल्ट यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया इसमें, हमने इसके अंदर यही कुछ किया कि जब आपने यहां पर प्लेट नेगेटिव की, नेगेटिव चार्ज ने इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि नेगेटिव ने इस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। कोई कहता है कि सेम लगाया 10, नहीं सेम नहीं लगा सकता, क्योंकि दूरी है इनके बीच में, प्लेट्स में डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल दूर जाके थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेट अस सपोज इस नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को 8-10 की जगह क्या कर दिया, 8 कर दिया, 2 वोल्ट का नेगेटिव डेवलप किया, तो ओवरऑल पोटेंशियल इसका गिर गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा, पर नेगेटिव चार्ज का अफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि वो नजदीक है, पॉजिटिव थोड़ा दूर है पीछे है, अफेक्ट कम होगा। तो पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा के कितना कर दिया वापस, 9-10 नहीं कर पाया क्योंकि वो दूर है, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल इसका क्या हो गया, 9, बिना चार्ज को टच किए। तो अगर पोटेंशियल गिर गया, कम हो गया, तो समझो शीट की कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, तो चार्ज तो हवा में उड़ नहीं सकता। हमने सिर्फ सामने एक प्लेट रखी जिससे कि ओवरऑल इसका पोटेंशियल कम हो गया, कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई, कीपिंग चार्ज कांस्टेंट। तो आज के बाद डिसाइड हुआ कि अकेली शीट, अकेला स्फीयर नहीं लिया जाएगा, साथ में कंडक्टिंग शीट रखेंगे ताकि इसका पोटेंशियल गिर जाए और इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। अब एक और बंदा आया, वो कहता है ऐसा भी छोड़ो, और आसान तरीका बताता हूं। वो क्या, वो कहता है यहां तक तो सारी कहानी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप एक काम करें, वो कहता है इस पोर्शन को ग्राउंड ही कर दें, छोड़ें, अर्थ कर दें। अर्थ से क्या हुआ, अर्थ ने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से उड़ाई दिया, खत्म कर दिया, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो गया यहां से, ये देखो पॉजिटिव चार्ज गया। अब पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कौन इसमें कम करेगा, नेगेटिव, तो 10 की जगह क्या करेगा, 8, पॉजिटिव तो बढ़ाएगा नहीं, तो ओवरऑल पोटेंशियल इसका काफी नीचे गिर गया, तो कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। तो आज के बाद डिसाइड ये हुआ कि
कि हम सिंगल प्लेट कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, उसके सामने कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे और उसके दूसरे वाले हिस्से को अर्थ कर देंगे ताकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल को घेर दे और कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यहां तक क्लियर है?